मध्य प्रदेश में आगामी 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना को लेकर कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों के लिए हुए चुनाव के बाद प्रत्याशियों के भाग का पिटारा 3 दिसंबर को खुलने जा रहा है, जिसको लेकर कि जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग द्वारा पूरी तैयारियां की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि मतगणना स्थल जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय केंद्र में रखा गया है, जिसमें शहर के 4 विधानसभा क्षेत्र की मतगणना की जानी है। इसके साथ ही सुरक्षित मतगणना पहला दायित्व है, जिसे लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि सुबह 8 बजे से EVM मशीन की मतगणना का कार्य शुरू कर दिया जाएगा, जिसको लेकर अधिकारी और कर्मचारियों को सभी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। पाटन विधानसभा में 18 काउंटिंग टेबल हैं और पनागर विधानसभा में 18 काउंटिंग टेबल लगाए गए हैं। बरगी विधानसभा जो है इसमें 16 काउंटिंग टेबल हैं, जबलपुर पश्चिम में 16 काउंटिंग टेबल हैं और सिहोरा में 16 काउंटिंग टेबल हैं। शेष अन्य विधानसभाओं में 14-14 काउंटिंग टेबल हैं। न्यूनतम जो राउंड चलेगी वो जबलपुर कैंट में 16 चलेगी, 17-17 राउंड जो है वो पाटन में, जबलपुर पूर्व में और जबलपुर पश्चिम में चलेंगी, शेष अन्य में 18-18 राउंड चलेंगे गणना के, उसके बाद उसमें परिणाम की स्थिति पे आ जाएंगे। इसी प्रकार से यदि मैं PB टेबल्स की बात करूं तो पाटन विधानसभा में 3 पोस्टल बैलेट के काउंटिंग के टेबल होंगे, बरगी में 2 होंगे, जबलपुर पूर्व में 3 होंगे, जबलपुर उत्तर में 3 होंगे, जबलपुर कैंट और जबलपुर पश्चिम में 4-4 टेबल होंगे, पनागर सिहोरा में 3-3 टेबल पोस्टल बैलेट के लिए होंगे। पाटन विधानसभा में 18 काउंटिंग टेबल हैं और पनागर विधानसभा में 18 काउंटिंग टेबल लगाए गए हैं। बरगी विधानसभा जो है इसमें 16 काउंटिंग टेबल हैं, जबलपुर पश्चिम में 16 काउंटिंग टेबल हैं और सिहोरा में 16 काउंटिंग टेबल हैं। शेष अन्य विधानसभाओं में 14-14 काउंटिंग टेबल हैं। न्यूनतम जो राउंड चलेगी वो जबलपुर कैंट में 16 चलेगी, 17-17 राउंड जो है वो पाटन में, जबलपुर पूर्व में और जबलपुर पश्चिम में चलेंगे, शेष अन्य में 18-18 राउंड चलेंगे गणना के, उसके बाद उसमें परिणाम की स्थिति पे आ जाएंगे। इसी प्रकार